हेलो गाइज, देखिए भाई, हमने मिक्सचर पढ़ा था। मिक्सचर के अंदर आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस। क्या होते हैं आपके सॉल्यूशंस? हम बोलते हैं सॉल्यूशंस आर दी होमोजीनियस मिक्सचर्स। Containing two or more components. Whose composition can be varied. Solutions आपके homogeneous mixture रहेंगे जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा आपके component रहेंगे और जिनकी composition को आप change कर सकते हो। ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपने शुगर लिया, शुगर के अंदर आप शुगर को आपने वाटर के अंदर डिजोल किया, तो जो सॉल्यूशन बना, सॉरी जो मिक्सचर बना वो क्या बनेगा? एक होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा और उसको हम एक सॉल्यूशन बोले। बेसिकली सॉल्यूशन हमें तीन टाइप के पढ़ने हैं, ट्रू सॉल्यूशंस, कोलोइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। ट्रू सॉल्यूशंस होमोजीनियस होते हैं या आपके हेट्रोजीनियस होते हैं। सो बेसिकली जो सॉल्यूशन वर्ड जो यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रू सॉल्यूशंस के लिए आपका यूज होता है। ये दोनों आपके कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस इन नेचर। ये आपके कैसे रहते हैं? हेट्रोजीनियस इन नेचर। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो डील करना है वो करना है किसके साथ? ट्रू सॉल्यूशंस के साथ। ट्रू सॉल्यूशंस की बात आएगी तो देखिए क्या होते हैं ट्रू सॉल्यूशंस, जिनके अंदर जो कंपोनेंट जो रहेंगे उन कंपोनेंट का साइज, इफ पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, अगर सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज आपका 1 नैनोमीटर से लेस है तो उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशंस। देखिए 1 नैनोमीटर कितना होता है आपका? 10^-9 मीटर। कितना होता है? 10^-9 मीटर। तो ये आपका 10^-9 मीटर के इक्वल रहेगा। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली जो हमें पढ़ना है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनके डिफरेंस, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। जो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमें पढ़ना है कंसंट्रेशन। क्या होता है कंसंट्रेशन? तो बेसिकली कंसंट्रेशन क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। 1 लीटर का फीस नहीं है, किसी भी सॉल्यूट का अमाउंट एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे? उसकी कंसंट्रेशन। ये सॉल्यूट भी जरूरी नहीं है, किसी का भी आप कंपोनेंट ही बोल सकते हो, अमाउंट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। अब ये अमाउंट जो है, इस अमाउंट को आप बहुत तरह से डिफाइन कर सकते हो। देखिए कैसे, सपोज करो आपके पास कोई एक अमाउंट है, गिवन सब्सटेंस है, कोई भी एक आपके पास सपोज करो ये कोई लिक्विड था, ठीक है, इसकी वॉल्यूम आपने मेजर की, इसकी वॉल्यूम आ गई 1 लीटर, इसका मास आपने मेजर किया, मास आ गया 0.98 kg। ठीक है, ये आपने किया, ये भी सेम अमाउंट है, ये भी वही मैटर है, उसी का अमाउंट है, तो इस अमाउंट को आपने लीटर के टर्म में भी मेजर कर सकते हो और केजी के टर्म्स में भी। बेसिकली आप उसका वॉल्यूम बता रहे हो, आप मास बता रहे हो। तो ऐसे ही हमारे पास एक सॉल्यूशन के अंदर उसके कंपोनेंट के अमाउंट बताने के लिए हम डिफरेंट टर्म्स यूज कर सकते हैं। जैसे हमने ये एग्जांपल देखा है जिसके अंदर हमने एक अमाउंट के लिए उसको को बताने के लिए हम मास भी यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम भी, और भी हम बहुत सारी टर्म्स। तो ऐसे ही आपके सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट या किसी भी कंपोनेंट के अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं।
डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स आपको पढ़नी है, जो आपको डिटेल में हम डील करेंगे। काफ़ी सारी आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, तो सबसे पहले माइंड में यह होना चाहिए कंसंट्रेशन टर्म्स क्या हैं। वो आपकी डिफरेंट टर्म्स हैं टू एक्सप्रेस अमाउंट ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन है इसके कुछ टाइप्स हैं, देखो आपका जो सॉल्यूशन है उसको सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस की। क्या होते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस? सॉल्यूशंस कंटेनिंग ओनली टू कंपोनेंट्स, जिन सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट्स हों, दो कंपोनेंट्स मिलकर बना हो, और उनको भी स्पेसिफिक नाम दिया जाता है जिनको आप लोगों ने सुना भी होगा, सोल्यूट एंड सोलवेंट। बाइनरी सॉल्यूशन, ये दोनों टर्म्स बार बार आपकी यूज होंगी, सोल्यूट एंड सोलवेंट आपको पता होना चाहिए क्या होती हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस जिनके जिसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे, जिनको एक को बोला जाता है सोल्यूट, एक को बोला जाएगा सोलवेंट। सोल्यूट किसको बोला जाएगा उसकी बात करते हैं। सोल्यूट देखिए, आपने एक सॉल्यूशन बनाया, ये आपने सोच करो वाटर लिया, इसके अंदर आपने ऐड किया शुगर। क्या ऐड किया? शुगर ऐड करके आपने डिजोल्व किया, आपका क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। तो बेसिकली हम यहाँ पे बोल रहे हैं शुगर आपका होगा सॉल्यूट, और जो आपका ये वाटर था ये आपका सॉल्वेंट। अब देखो किस बेस पे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इस प्रोसेस में समझना क्या हुआ। वाटर लिया, वाटर के अंदर शुगर को डिजोल्व किया, शुगर का क्या हुआ है? डिजोल्यूशन। सो जिस कंपोनेंट का डिजोल्यूशन होगा वो क्या रहेगा? सॉल्यूट। वाटर के अंदर क्या हुआ है? डिजोल्यूशन। सो जिस कंपोनेंट के अंदर डिजोल्यूशन होगा वो क्या रहेगा? सॉल्वेंट। दूसरी चीज, सॉल्यूट आपका लेसर अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, सॉल्वेंट आपका एक्सेस में प्रेजेंट रहेगा। तो देखिए हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं सॉल्यूट को, इट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, लेसर अमाउंट भी लिख सकते हैं, एंड डिजोल्यूशन ऑफ विच टेक्स प्लेस, एंड डिजोल्यूशन ऑफ विच टेक्स प्लेस उसको क्या बोलेंगे? सोल्यूट। सोलवेंट दूसरी आपकी टर्म, सोलवेंट को कैसे डिफाइन करें? कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस एंड इन विच डिजोल्यूशन टेक्स प्लेस। वो कंपोनेंट जिसके जो एक्सेस में प्रेजेंट रहेगा, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, और जिसके अंदर डिजोल्यूशन होगा वो क्या रहेगा? सॉल्वेंट। जिसका डिजोल्यूशन होगा वो सॉल्यूट, जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा वो सॉल्यूट। अब यहाँ पे एक टर्म और आती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। क्या होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हम बोलते हैं सॉल्यूशंस इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडिड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। एडिड नहीं बोल सकते यहाँ पे, सॉरी एडिड वर्ड यहाँ पे गलत रहेगा, हम यहाँ पे डिजोल यूज करेंगे। इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ऐड तो हम कितना भी कर देंगे, डिजोल करने की बात हो रही है। ऐसे सॉल्यूशंस जिन सॉल्यूशन के अंदर आप किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और सॉल्यूट डिजोल नहीं कर सकते उनको बोलेंगे क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो होता क्या है, समझना इस चीज को। ये आपने एक लिक्विड लिया, इसके अंदर आपने कोई सॉल्यूट ऐड किया, शुगर ऐड किया, सपोज करो सोल्ट ऐड किया, जो भी आपने। तो ये जब आपने ऐड करके डिजोल्व करना स्टार्ट किया तो शुगर सॉलिड था, ये आपका वाटर है लिक्विड,
जब स्टार्टिंग में डिजोल्व करना स्टार्ट किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, स्टार्टिंग में इनिशियली जब ऐड ही किया था उस टाइम इस सॉल्यूशन के अंदर ओनली वाटर था, जैसे जैसे डिजोल्व होता जाएगा इसके अंदर शुगर के पार्टिकल बढ़ने लगेंगे, शुगर के पार्टिकल्स क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे बिकॉज हम डिजोल्व कर रहे हैं शुगर को। तो आपका इनिशियली एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी, जब आप इनिशियली स्टार्टिंग में डिजोल्व करते हो तो रेट ऑफ डिजोल्यूशन आपका बहुत हाई रहता है, क्यों, बिकॉज अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे वो प्योर वाटर था, उसके अंदर शुगर के मॉलिक्यूल्स नहीं थे। जब डिजोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे शुगर के मॉलिक्यूल्स आना स्टार्ट हो गए, धीरे धीरे शुगर के मॉलिक्यूल्स की सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कंपोजिशन बढ़ रही है। अब क्या होगा, ये जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, सॉल्यूशन हमें पता है लिक्विड के पार्टिकल मूव करते हैं, तो उस मूवमेंट की वजह से ये क्या करेंगे, कुछ शुगर के पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड करके वापस से किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, या फिर हम बोलें प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, या वो हम बोलें कि आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन से बाहर आएंगे सॉलिड्स की फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक तो शुगर इसमें डिजोल हो रहा है, दूसरा शुगर उससे बाहर निकल रहा है। इनिशियली आपका जब आपने शुगर ऐड किया तो शुगर डिजोल हो रहा था, जैसे जैसे शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ी कुछ मॉलिक्यूल शुगर के एक दूसरे के साथ कंबाइन होके कोलाइड करके किस में चेंज हो रहे हैं, प्रेसिपिटेट के अंदर चेंज हो रहे हैं आपके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, क्या हो रहा है, रेट ऑफ डिजोल्यूशन इनिशियली हाई था, रेट ऑफ डिजोल्यूशन क्या था इनिशियली वेरी हाई, लेकिन जैसे जैसे डिजोल करते गए तो आपका रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन भी इंक्रीज होगा, बिकॉज जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंटर करेंगे शुगर के सॉल्यूशन में उतनी कंपोजिशन ज़्यादा होगी, सो उतने एक दूसरे के क्लोज आएंगे और प्रेसिपिटेट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनली एक टाइम आएगा जब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिजोल्यूशन आपका किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के। एक पॉइंट आ जाएगा जिस पॉइंट पे रेट ऑफ डिजोल्यूशन आपका रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के इक्वल हो जाएगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट, वो पॉइंट जहाँ पे रेट ऑफ डिजोल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के। तो हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर अगर कोई पूछे और आप डिजोल्व क्यों नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम यही बोलते हैं आपका रेट ऑफ डिजोल्यूशन जो रहेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के। अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा सर कि जितने आपके शुगर के मॉलिक्यूल सॉलिड से सॉल्यूशन में जाएंगे डिजोल्व होंगे उतने ही पार्टिकल वापस से किधर आ जाएंगे, सॉलिड की फॉर्म में ड्यू टू प्रेसिपिटेशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के अंदर एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा जहाँ पे रेट ऑफ डिजोल्यूशन रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन की इक्वल हो, बट टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। अब देखिए सैचुरेटेड, अब एक और टर्म आपकी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या रहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस को में हम बोलते हैं सॉल्यूशंस इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो तो उसको बोलेंगे क्या, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक और टर्म आएगी यहाँ पे सोल्यूबिलिटी, क्या बताएगी सोल्यूटी, सोल्यूबिलिटी आपको बताएगी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन ए सोलवेंट, एक सोलवेंट के अंदर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक सॉल्वेंट के अंदर आप कितना मैक्सिमम अमाउंट किसी सॉल्यूट का डिजोल्व कर सकते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। अब मैक्सिमम अमाउंट की बात करें, देखो भी इस सॉल्युबिलिटी को हम दूसरी टर्म्स में भी बात करें तो हम ये भी बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट
इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युट। क्यों? यहाँ पे हमने बोला मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। वहीं पे हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब डिफाइन किया है तो वहाँ पे हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के में हम बोल रहे हैं कि वो सॉल्यूशंस जिसके अंदर आप और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, दैट मीन्स उस टेम्परेचर पे कितना अमाउंट रहेगा, मैक्सिमम अमाउंट रहेगा, उससे ज़्यादा तो आप डिसॉल्व कर ही नहीं सकते। अगर उस टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट है तो वही किसके इक्वल आपकी सॉल्युबिलिटी के इक्वल है। सो सॉल्युबिलिटी को आप इस टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो। आपके माइंड में कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी में क्लियरली डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कंसंट्रेशन बताएगी अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट एट एनी टाइम, एनी कंसंट्रेशन, कितना भी अमाउंट हो एक्स वाई जेड, वो कौन बताएगा? कंसंट्रेशन। सॉल्युबिलिटी क्या बताएगी? सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम अमाउंट बताएगी एक सॉल्यूट का जो एक सॉल्वेंट है आप डिसॉल्व कर सकते हो, या फिर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो अमाउंट रहेगा उस अमाउंट को हम बोलेंगे क्या? सॉल्युबिलिटी। तो ये कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। ये सिंपल सी टर्म्स थी। अभी जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा कंसंट्रेशन टर्म्स, जो थोड़ा लेंथी चलेगा। मोस्ट ऑफ 11th का पोर्शन है, आपको वो पढ़ना है। इसमें हमें क्या पढ़ना है? मास परसेंटेज बेसिकली हमें पढ़ना है, वॉल्यूम परसेंटेज हमें पढ़ना है, मास बाय वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, PPM, बेसिकली ये टर्म्स हमें पढ़नी है। एक स्ट्रेंथ आपको पढ़ना है। ये सिंपल सिंपल सी टर्म्स आपको पढ़नी है, जो आप नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। आई होप समझ आया होगा। इन टर्म्स को एक बार आप गो थ्रू होइए। बड़ी सिंपल सी बेसिक टर्मिनोलॉजी है ये सॉल्यूशंस की, आपको पता होना चाहिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो जिनके जिसके अंदर आप और फर्दर डिसॉल्विंग कर सकते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। दूसरा, ये आपका सैचुरेशन पॉइंट, रेट ऑफ डिसॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। थैंक यू।